आज विजयदशमी का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। रावण दहन के इस मौके पर हम शिव भक्तों के लिए जरूरी खबर लेकर आए हैं। आप में से बहुत से लोग हैं उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करने के लिए गए होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाने की प्लानिंग भी कर रहे होंगे और बहुत से ऐसे लोग मन में ये भी सोचते होंगे कि जीवन में कभी ना कभी महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन उज्जैन जाकर आप जरूर करेंगे। अगर ऐसा है तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से अकाल मृत्यु का योग भी टल जाता है। इसीलिए महाकाल का दरबार कभी खाली नहीं रहता। सुबह, दोपहर, शाम और रात भर इस मंदिर में दर्शनों के लिए भक्त घंटों कतारों में लगे रहते हैं। लेकिन भक्तों को अकाल मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाने वाले महाकाल मंदिर पर अब खतरा मंडरा रहा है। पुराणों में लिखा है कि दूध और जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि भगवान को पुष्प अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन नए दौर में भक्तों के दूध, जल और फूल से महाकाल के ज्योतिर्लिंग को ही नुकसान पहुंच रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच के बाद यह पता चला है कि महाकाल के ज्योतिर्लिंग का क्षरण हो रहा है, क्योंकि महाकाल के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक अशुद्ध जल और अशुद्ध दूध से किया जा रहा है। फूल के साथ जल चढ़ाने से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिससे ज्योतिर्लिंग की सतह घिस रही है। भस्म से ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार करने से भी शिवलिंग का क्षरण हो रहा है। वैसे मूर्ति तो लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, लेकिन चूंकि क्षरण भी होने की बात सामने आई है और इसमें याचिकाएं भी दायर हुई थी, तो जो विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से बेहतर व्यवस्था हो सकती है और जो महाकाल का मूल स्वरूप है किस प्रकार से विद्यमान रह सकता है। महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर शोध का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उज्जैन की ही रहने वाली सारिका गुरु ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को निर्देश दिए, जिसके बाद आर्कियोलॉजी और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक टीम गठित की और इस टीम ने पूरे मंदिर परिसर की जांच की। गर्भगृह में जो कि वहां पे जो भस्म चढ़ रही है, वहाँ पे जो जल चढ़ रहा है, वहाँ पे जो पंचामृत चढ़ रहा है, जो वहाँ पे फूल आ रहे हैं, उन्होंने अपने लैब में जाके उसको पूरा परीक्षण करा और उसके दौरान उन्होंने पाया है कि हाँ कुछ क्षरण हो रहा है। और क्षरण होने के कारण उन्होंने एक तो पानी बताया जो रेगुलर चलता रहता है, और भस्म तो भस्म भी एक कंडे की राख से, उसमें खुद लिखा हुआ है कि हम कंडे की राख से भस्म कर रहे हैं, पर और उसको उन्होंने बोला है कि ये गलत है। मंदिर में हजारों वर्षों से फूल मालाओं को चढ़ाने की परंपरा रही है, लेकिन इस जांच रिपोर्ट के बाद से मंदिर परिसर में फूल मालाओं पर अघोषित प्रतिबंध सा लग गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को फूल मालाओं के साथ अंदर जाने पर रोक लगा रहे हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि बिना किसी लिखित आदेश के ही फूल माला को मंदिर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें हमारा तो नुकसान है, जो बेचारे गांव से तोड़ के लाते हैं, जंगलों में तोड़ के लाते हैं, गरीब लोग हैं, वो भी उनका भी पेट इसी से पलता है। घने जंगल में से तोड़ ताड़ के लाए, इसकी जान पे खेल के, और हम लोग अगर नहीं खरीदेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इन प्रशासक महोदय ने मौखिक रूप से बंद करा है, जबकि कोई ऐसा कोई आदेश है नहीं। महाकाल के भक्त समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनको महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर फूल मालाएं चढ़ाने से क्यों रोका जा रहा है। पहले तो ले जाने देते थे अंदर, पर आज अचानक ही मना कर दिया कि बड़ी माला नहीं जाएगी, पर पहले पूर्व में जाती थी, चढ़ती थी, तो उसी उद्देश्य से मैंने ली थी चढ़ाने के लिए बाबा को। ये हमारी भावना है, बड़ी माला, छोटी माला, पर माला से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को शायद कभी इस पर भरोसा ही नहीं होगा कि क्या महाकाल मंदिर के ज्योतिर्लिंग का आकार और उसकी लंबाई जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने से घट सकती है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये बंद कर दी गई है, जबकि मैं तो कई सालों से जब भी मैं आता हूँ, साल में करीब करीब 5-7-8 बार आता हूँ, हमेशा यानी माला ले जाता हूँ, क्योंकि आंकड़ा जो है
ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आंकड़े का फूल उनको चढ़ाना चाहिए, उससे हमको कहीं कहीं धार्मिक लाभ मिलता है सारी चीज़ें। तो भगवान के ऊपर संसार की जितनी भी चीज भोलेनाथ जिसका तिरस्कार हुआ वो भगवान शिव ने ग्रहण किया है, और ये परंपरागत रूप से भगवान शिव को आंकड़ा धतूरा ये बहुत प्रिय है। कोई नहीं जानता कि महाकाल के मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग कितने वर्ष पुराना है। पुराणों में तो यही कहा गया है कि महाकाल के मंदिर की स्थापना भगवान ब्रह्मा ने की है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2600 वर्ष पहले महाकाल मंदिर का पहला ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत ने महाकालेश्वर परिसर की व्यवस्था के लिए अपने पुत्र कुमारसेन को नियुक्त किया था। उज्जैन के 4वीं और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों में महाकाल की प्रतिमा का चित्र मिलता है। कालिदास ने महाकाल मंदिर के सौंदर्य का भव्य वर्णन किया। उसके बाद तो साहित्यकारों में महाकाल के मंदिर का वर्णन करने की होड़ सी लग गई। पंचतंत्र और कथा सरित सागर में भी महाकाल के मंदिर का जिक्र है। आज महाकाल का जो मंदिर हमारी आंखों के सामने है उसका जीर्णोद्धार 1730 ईस्वी के बाद हुआ था। ये वो समय था जब मालवा पर पेशवा बाजीराव प्रथम का शासन था। पेशवा बाजीराव भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने 40 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध में उन्हें हार नहीं हुई थी। पेशवा बाजीराव ने मालवा का शासन अपने सूबेदार राणूजी शिंदे को सौंपा था। राणूजी शिंदे के दीवान सुखटनकर रामचंद्र बाबा शेणवी ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 18वीं शताब्दी में जब महाकाल के मंदिर को दोबारा बनाया गया तब भी उसको पुरानी परमार शैली में ही बनाया गया था, लेकिन आज मंदिर के परिसर में आधुनिक तरीके से मरम्मत का काम चल रहा है जिससे महाकाल के मंदिर की प्राचीनता खत्म हो रही है। उस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस तरीके के जो हो रहा है ये, और उसमें जो जलाधारी है उसके नीचे की तरफ लेयर बन चुकी है तो वो जमावट है, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसको रोका जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि गर्भगृह काफ़ी छोटा है, जो चांदी की मंदिर की जो बनी हुई है तो वो धुएँ वगैरह से वो जो भी है वो चांदी का आज जो वर्तमान में रूप है उतना वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। महाकाल के ज्योतिर्लिंग के क्षरण को रोकने के लिए जांच टीम ने सुझाव दिए हैं कि गर्भगृह में लोहे की बाल्टियों या लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल कम किया जाए, इसकी जगह पर प्लास्टिक या फिर लकड़ी के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल हो। गर्भगृह में एक साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के घुसने पर रोक लगाई जाए। एक बार में सीमित संख्या में ही लोगों को पूजा की अनुमति दी जाए, क्योंकि मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी से भी ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंच रहा है। गर्भगृह में श्रद्धालुओं को बाहर निकालने के लिए भी एक अलग दरवाजे का इस्तेमाल हो। गर्भगृह हर वक्त साफ रहना चाहिए और उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। सारिका गुरु ने भारत का नागरिक होने का फर्ज निभाया और महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर मंडराते खतरे से सबको आगाह किया, लेकिन जिन लोगों पर संस्कृति और विरासतों को संभालने की असल जिम्मेदारी है उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया, ये बड़ा सवाल है। अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, उज्जैन।